यार इस वक्त हम आ चुके हैं उमर हयात पैलेस चिनोट में, तो ये अंकल ये जो गाइड है ना इसके चिनोट पैलेस की, उनसे पूछते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, हमें तो पता नहीं है, वो ही आपको सही बताएंगे। तो कैसे हैं दोस्तों, तो हम पिछले साल यहाँ आए थे, संडे था तब ये बांध था, तो हम इतनी इन्फॉर्मेशन ले नहीं सके, तो आज आप सबके साथ हमें भी मौका मिल रहा है इन्फॉर्मेशन सबकी लेने का, तो चलिए शुरू करते हैं। ये चिनोट तारीख के लिहाज से पाकिस्तान का छोटा सा लखनऊ है। इस शहर के असल नवाब हैं चिनियोटी शेख मन्नू मग्गू सहगल। आप उमर हयात महल में आए हैं, शाही मस्जिद में जाएंगे, कभी चिनियोट की तंग गलियों में भी जाएं, पुराने घर जो हैं एक्चुअली महल ही हैं। यहाँ पे एक मोहल्ला कलकत्ती है, उसके सारे रहने वाले कलकत्ता में बिजनेस करते थे। शेख उमर हयात भी उन्हीं में से था जिसका अपना शहर तो चिनियोट था, बिजनेस कलकत्ता में था। वहाँ से दौलत कमा के 1921 से 30 तक ये 5 मंजिला 14 मरले पर महल बनवाया। महल लेकिन खुशियाँ रास नहीं आईं, महल बनवाने के 5 साल बाद चल बसे, करीब कब्रिस्तान है वहाँ दफन है। उसके 3 साल बाद उनका बेटा फौत हो गया, तो उसकी माँ ने अपने बेटे को महल के अंदर ही दफन करवा दिया। 1 साल बाद उसकी माँ भी चल बसे, उसे पहलू में दफन किया, ये मज़ार बन महल से मज़ार हुआ। जब सभी वफात पा गए तो इसमें यतीम खाना बना रहा, माछी खोखर बरादी के चंद खानदान रहे। उनसे 1991 में यहाँ के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने संभाल के इसमें लाइब्रेरी और म्यूज़ियम कायम कर दिया, रेनोवेशन करवाई। अब उमर हयात महल एक लाइब्रेरी और म्यूज़ियम की सूरत में बाकी है। जहाँ ये लाइब्रेरी है वहाँ सैर व सेहत का मरकज़ भी बना हुआ है। इस महल के तह खाने से कहते हैं घर के मालिक उमर हयात के पास कोई गाड़ी थी जिसका ये व्हील है, ये शेख इलाही बख्श थे, खलती मन में कश्मीर में शहीद हो गए। कश्मीर में शहीद होने वाला पहला शख्स चिनियोट का था, ये उनकी शर्ट है, ये टार्च और खंजर उन्हीं का है। मुगल दौर में चिनियोट का भी सुबह था, ये उस दौर के गवर्नर की तस्वीर है और उनकी तलवारें हैं। फिर ये इस तस्वीर की तरह ये न्याज अहमद जलंधर से आए, फिर चिनियोटी के होके रह गए, इन्होंने इस महल बनाने में हिस्सा लिया। इस काबिल 200 साल पहले का कुरान पाक है, ये पाकिस्तानी सिक्के हैं और ये जेवरात नीचे पड़े हैं। बर्तन जो है लोगों के लिए हुए हैं, ये पहले का रहतल बहतल या क्या वसीब था, पहले कैसे बर्तन इस्तेमाल होते थे, ये उसका पता चल रहा है। दफन है उमर हयात का पोता बेटा गुलजार और उमर हयात की वाइफ यानी माँ बेटा का। हाँ, दोबारा उसी कलर स्कीम के तहत पहले जैसे। ये इस महल की कंप्लीट पिक्चर है। गुलजार उमर हयात का बेटा था, तभी इस इमारत का दूसरा नाम गुलजार मंजिल है। ये 72 में उतारी गई तस्वीर है, इसकी दो खूबसूरत तरीन मंजिलें ऊपर से गिरा दी, वो महल का ताज थी। ये मट्टी चूने की टाइल्स है। इस महल के 15 कमरे हैं, आप जिस कमरे में जाएंगे छत का डिजाइन अलग है। दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि ये हर मतलब के 15 कमरे हैं और हर छत का डिजाइन अलग है, ये तो आगे भाई को बड़ी मिस्ट्री वाली बात है। ये वैसे उमर हयात का बेडरूम था, अब हमारा रीडिंग रूम या मीटिंग रूम बना हुआ है। ये शीशों में भी है, ये दो पट्टियां मिलके यू को जाहिर करती हैं, ऊपर ग्रीन है। अब नाज़रीन हम ऊपर चलते हैं, तो ऊपर जाके देखते हैं कि कमरों का क्या सूरत है। ये छत देखिएगा, ये लकड़ी की बनी है, पहले वाली मट्टी चूने की टाइल्स थी। ये तहखाना था, ठंडक में रहने के लिए कमरे होते थे, जंग के जमाने में एक लिहाज से छुपने की जगह शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल होता था। रूम का जाए अगर मैं देखी नहीं हो सकता है, इसमें अपने कीमती खजाना रखने के लिए, तो
ऐसा ही एक और तहखाना इस महल के सामने कमरे में है। ये शीशों का रंग महल भी है। शीशों पे चढ़ने का मंजर क्या है? यहाँ पे एक पुरानी तर्ज का कुआं था, उसके कुछ आसार बाकी हैं। यहाँ चरखी रखी होती थी, इधर से पानी निकाल के कुएं से इस हौज में डालते थे। ये नल लगे है जी, यहाँ पानी इस्तेमाल होता था। ये सीट बनी है, ये नहाने धोने का कमरा था। साथ सामने वो किचन की अंगीठी नजर आ रही है। किचन वाले भी पानी की कमी पूरी इधर से पानी की जरूरत पूरी कर सकते। कवरिंग है, ये पैसे सा है। कवरिंग कैसे देखिएगा, ये उस दौर का वॉशरूम है जब कबोर्ड नहीं थे। पहली सीट ऐसी होती थी। ये उस दौर का फ्लैट सिस्टम है। ये किस साल की बात है? ये 1921 से 30 तक की बात है। ये जरोखा है भी सबसे बड़ी, इसे करीब से देखें तो और ही लुत्फ आता है। ये आला पाई की शीशम की लकड़ी के पे बनाया गया है। इसे चिनियोट के एक माहिर कारीगर इलाही वक्त ने बनाया। उसकी कब्र पे चले जाए तो लिखा है बाबा एक कौम सारी कौम का बाप है। वो मर गया, उसका मन जिंदा है। हम मार्केट में जाएंगे, हवेली बैठ जरोखा बैठ इसे काम भी किया जा रहा है। ओपनिंग्स हैं, ये अंदर बिल्कुल ऐसे खुलती हैं जैसे पत्तियां खिल के सिमट रही हैं। ये खूबसूरत शक्ल में आ जाते हैं। दरबार लगाओ तो वीवर, जैसा कि आपने देखा कितना खूबसूरत सा मंदिर है, अभी आपको ये ऊपर का दिखाते हैं। और इसकी वीरानी की झलक है, कैसे बर्बाद हुआ। सामने से दो मर्ज ने गिरा दी, जूते जाग गया। इन पहाड़ियों के पास दरियाए चनाब देख सकता था। सामने इमाम बारगाह है, उसके पीछे देखेंगे एक बड़ा मंदिर है, उसको स्कूल में बदल दिया। ये छोटा मंदिर है, ये किसी का घर है। यूं चारों तरफ से ये पुराना शहर है। ये बोर्ची खाना है, इसके नीचे नेमत खाना है। अब एक उस दौर की फ्रिज नेमत का नाम। गर्मियों के दिनों छत पे सोए, पर रात में पानी रखा, शाम के खाने के इधर हांडी रख दी, इधर से ताज़ा हवा आती, अगली सुबह तक खाना ताज़ा रहता। ये है जी नेमत कदम, उस दौर की फ्रिज सी है। लो जी, ये घूम के देखना है, अल्लाह की शान देखें, दुनिया गोल है। वर्ल्ड इज राउंड नॉट फ्लैट। लो जी, ये ऐन सामने वो 350 साल शाही मस्जिद नजर आ रही है। जहाँ ये मस्जिद और मीनारों का शहर है, वहाँ पुरानी तहजीब के वो हिंदुओं के भी वो बड़ा मंदिर, उसे सुकून में बदल दिया। ये छोटा मंदिर, ये किसी का घर है।
बात है।